नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। हाल ही में मुजफ्फरनगर का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो ने देश भर में सनसनी मचा दी। हर किसी ने अपनी अपनी टिप्पणी की, किसी ने इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की तो किसी ने इस पर कहा इसे संप्रदायवाद से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वीडियो मुजफ्फरनगर का, जिसमें कई बच्चे एक स्टूडेंट को मार रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस को भी मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस इस मामले में पहले ही मुकदमा दर्ज कर चुकी है। अब इस केस में आरोपी शिक्षिका तृप्ति त्यागी का एक बयान वायरल हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा, मैंने यहाँ पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। जिस बच्चे की पिटाई हुई है, एक दिन उसके पापा खुद उसकी पिटाई करके स्कूल ला रहे थे। वो पिछले 2 महीने से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था। उन्होंने ही हमसे कहा था कि बच्चे के साथ सख्ती से पेश आना ताकि वो पढ़ाई पर ध्यान दे सके। बताया जा रहा है कि टीचर स्वयं शारीरिक रूप से विकलांग है और वो बच्चों को अनुशासन में लाने के लिए दंडित नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। जानकारी है कि उन्होंने इसके लिए अपनी गलती मानी है। टीचर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मामले को फिजूल में ही धार्मिक रूप देने की कोशिश की जा रही है, जबकि उन्होंने इस मानसिकता के साथ ऐसा नहीं किया था। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि शिक्षिका वास्तव में बच्चों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करती। लोगों का कहना है कि वे कई बार बिना धर्म देखे बच्चों की फीस भी माफ कर देती हैं। लोगों का ये भी कहना है कि वायरल वीडियो से कथित तौर पर छेड़छाड़ भी की गई है। बताया जा रहा है कि नेहा पब्लिक स्कूल कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक है, जिसमें 55 बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ लगभग 25 बच्चे मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके संवाददाता ने आरिफ नाम के एक स्टूडेंट से बात की, जो पहले शिक्षिका त्यागी से पढ़ता था, यानी तृप्ति त्यागी से पढ़ाई लेता था। वो इंग्लिश पढ़ाती थी और आरिफ ने ये भी बताया कि शिक्षिका त्यागी इतनी दयालु है कि कई बार वो ट्यूशन की फीस भी नहीं लेती थी। अब शिक्षिका त्यागी की सफाई पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।